जारी, 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का 2 करोड़ मतदाता करेंगे फैसला। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए बढ़ाई गई सिक्योरिटी, कई संवेदनशील बूथों और स्थानों पर फोर्स की तैनाती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में किया मतदान, परिवार के साथ सैनी ने डाला वोट, मतदान करने के लिए लोगों से अपील की। हरियाणा की 90 सीटों पर मतदान जारी है, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया मतदान, सभी से मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी डाला वोट, साथ ही बीजेपी की जीत का किया दावा, वहीं अन्य लोगों से भी वोट करने की अपील की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी, मनु भाकर ने किया वोट, लोगों से की वोट करने की अपील, वोट डालना हमारी जिम्मेदारी। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने भी किया मतदान, लोगों से भी कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की, बोली हरियाणा के सभी लोगों की कांग्रेस से जुड़ी है उम्मीदें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, फरीदाबाद में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने किया वोट, कहा ऐसी सरकार आए जो महिलाओं की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट, सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की, लिखा लोकतंत्र के इस पावन उत्सव का बने हिस्सा, मतदान का नया रिकॉर्ड बनाए। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, लिखा आपका हर एक वोट हरियाणा के करप्शन को मुक्त करेगा। अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन की पुलिस ने मुठभेड़ की, गोलीबारी के दौरान चंदन के पैर में लगी गोली, चंदन को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। दिल्ली भागने की फिराक में था आरोपी चंदन, एसटीएफ ने जेवर टोल प्लाजा के पास से किया गिरफ्तार। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, कुपवाड़ा में मुठभेड़ के बाद संदिग्ध वापस तोड़ गए। थाईलैंड के चियांग माई में विनाशकारी बाढ़ का कहर, चारों तरफ दिखाई दिया पानी ही पानी, 117 हाथियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यूपी के सीतापुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई, हादसे में बाइक सवार एक की मौत, एक घायल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उधर बिहार के रोहतास में बड़ा हादसा हुआ, सोनभद्र में बस पलटने से 40-50 यात्री घायल हो गए, 6 की हालत गंभीर है। एमपी के जबलपुर के सरकारी स्कूल में छात्रों में चाकूबाजी हुई, 8वीं के छात्र की छात्रा ने की हत्या, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इब्राहिम अमीन अल सैयद बना हिजबुल्ला का नया चीफ, हसन नसरल्ला और हाशिम सैफुद्दीन की मौत के बाद अमीन को नियुक्त किया गया नया नेता। इजरायली सेना ने त्रिपोली कैंप पर किया हमला, हवाई हमले का वीडियो आया सामने, घातक तरीके से किया गया हमला। हैती शहर पर हुए हमले में करीब 70 लोगों की मौत, बीते दिनों मध्य हैती के एक छोटे शहर पर हमला हुआ था। लेबनान में 185 लोगों को लेकर आइंडहोवन उतरा सैन्य परिवहन विमान, जहाज के अंदर 100 से ज्यादा डच नागरिक। उधर हिजबुल्ला के खिलाफ एक्शन में इजरायली सेना, गाजा और वेस्ट बैंक में आईडीएफ के जवान तैनात किए गए, वीडियो सामने आया। उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमलों के बाद कई जगह लगी आग, लेबनान की तरफ से इसराइल पर दागी गई थी कई मिसाइलें। लेबनान पर इसराइल के हमले जारी हैं, बेडावी कैंप में इसराइली ड्रोन ने इमारत को बनाया निशाना, तबाही तस्वीरें दिखाई दी। लेबनान के सीमा क्षेत्र में इसराइल ने किया हमला, लड़ाकू हेलीकॉप्टर के जरिए दागी मिसाइल, आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। कनाडा के ट्रोइस रिवियस में चर्च के अंदर आग लग गई, भयानक आग की तस्वीरें सामने आई हैं, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूरोपीय देश बोस्निया हर्जेगोविनिया में बाढ़ बारिश का कहर, तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 19 लोगों की मौत, कई लोग लापता हैं। उत्तरी कैरोलिना में बाढ़ का कहर देखने को मिला, तेज हवाओं की वजह से उखड़े बिजली के खंभे, कई घंटों तक ठप रहा बिजली व्यवस्था, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। देखिए 27 सितंबर को नसरल्ला का खात्मा होगा, उसके बाद से आपको लगातार हम बता रहे हैं कैसे मिडल ईस्ट जंग और भयंकर होने की तैयारी अब यहां पर हो चुकी है, भयंकर और जंग होने वाली है। एक तरफ इसराइल लेबनान में हिजबुल्ला ठिकानों पर ताबड़तोड़
आपने देखा बम बरसा रहा है, तो वहीं पर ईरान के सुप्रीम लीडर को आपने कल सुना था, खामेनेई ने खुली धमकी दी है कि जरूरत पड़ी तो इसराइल पर फिर से हमला होगा। इधर हिजबुल्ला दो चीफ की मौत के बाद भी आपको बता रहे कि नए चीफ का ऐलान कर दिया गया है, इसकी जानकारी अब हम आपको देंगे। हिजबुल्ला का नया चीफ ऐलान हो चुका है, इब्राहिम ममीन जो है वो हिजबुल्ला का सफीदीन के बाद, उसके बाद देखिए एक नए चीफ का ऐलान किया गया है। सफीदीन का भी खात्मा किया जा चुका है, उससे पहले हसन नसरल्लाह की अगर बात करें उसका भी खात्मा किया गया सेना के हमले में, हाशिम सफीदीन मारा गिराया गया। और आपने ये भी देखा कल की सीक्रेट दफन किया गया है हसन नसरल्लाह को, हालांकि इससे पहले कहा गया था कि एक बड़ा जनाजा निकाला जाएगा, लेकिन इसराइली हमले के डर की वजह से सीक्रेट दफन किया गया हसन नसरल्लाह को। और अब आपको बता रहे कि 3 अक्टूबर को उसके बाद जो नया चीफ था सफीदीन उसको भी मार गिराया गया। अब ये नया चीफ इस वक्त तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं इब्राहिम ममीन को हिजबुल्ला का नया चीफ बनाया गया, सफीदीन के मारे जाने के बाद नए चीफ का ऐलान हो चुका है। लेकिन इसराइल की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि आतंक को खत्म करेंगे। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हिजबुल्ला का नया चीफ हसन नसरल्लाह जिसको दफन किया गया सीक्रेट जगह पर, हाशिम सफीदीन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो मार गिराया गया, लेकिन अब नया चीफ। सवाल खड़ा होता है क्या नए चीफ की बारी है, क्योंकि इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से पहले ही कहा गया है कि कोई भी आतंक का आका बड़ी गद्दी पर बैठेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, खात्मा करेंगे। उधर दूसरी तरफ आपने कल देखा खामेनेई की तरफ से भी कहा गया कि अब इसराइल पर हमले के लिए सभी अरब देशों को आगे आना होगा और यहाँ पर सभी मुस्लिमों को एकजुट रहने की बात भी वो कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, तो इसराइल के हमले में एक एक करके जो हिजबुल्ला के चीफ है वो ढेर हो रहे हैं, लेकिन सवाल दरअसल ये है कि कुल कितने दिन रहे हिजबुल्ला के जो चीफ अब तक के रहे हैं और उनका रिकॉर्ड अब तक का क्या क्या रहा है, कितने दिन हिजबुल्ला के नए चीफ। देखिए अब देखिए जो रिकॉर्ड अब तक का वो क्या कहता है, इब्राहिम अमीम अल सैयद नया हिजबुल्ला का चीफ बनाया गया है, लेकिन इसके पहले कौन था, 27 सितंबर को इसी महीने में कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे नसरल्लाह को बनाया गया था लेकिन नसरल्लाह मार दिया गया। इसके पहले देखिए 3 अक्टूबर को हाशिम सफीदीन यहाँ पे ढेर कर दिया गया, तो एक के बाद जो एक जो चेहरे 3 देख रहे हैं आप, ये दरअसल हिजबुल्ला के नए चीफ बनाए गए थे, लेकिन 27 सितंबर को ढेर किया गया नसरल्लाह, उसके बाद यहां पे 3 अक्टूबर को सफीदीन को भी ढेर कर दिया गया और अब नया चीफ है यहाँ पे इब्राहिम अमीम अल सैयद नेजबुल्ला का नया चीफ। लेकिन सवाल दरअसल ये कि कुल कितने दिन और बना रहेगा ये, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से इसराइल की ओर से हिजबुल्ला के जो नए चीफ हैं वो टारगेट पर हैं, उनको ढेर किया जा रहा है, तो सवाल यही है कि अब जो नए चीफ हैं वो कितने दिनों के लिए हैं और अब इसको लेकर के जो इसराइल की स्ट्रेटेजी होगी वो क्या कुछ होगी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे आपको 3, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे हिजबुल्ला का जो नया चीफ देख रहे हैं आप वो इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, लेकिन इसके पहले कौन था, इसके पहले था यहाँ पर सफीदीन जिसको ढेर कर दिया गया, उसके पहले था नसरल्लाह जिसको ढेर कर दिया गया। तो अब दो दो यहाँ पे जो चीफ रहे हिजबुल्ला के वो यहाँ पर बैक टू बैक एक ही महीने के अंदर ढेर कर दिए गए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अब क्या जो इसराइल है उसकी टारगेट पर सिर्फ हिजबुल्ला के चीफ है या बाकी स्ट्रेटेजी भी। सीधे रुख करेंगे हमारे जो दो खास मेहमान उनका, हमारे साथ जुड़े कर्नल शैलेंद्र, साथ ही जुड़ रहे हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ जी। कर्नल शैलेंद्र जी, सवाल यही है कि एक के बाद एक जिस तरीके से हिजबुल्ला के जो नए चीफ है वो टारगेट पर है IDF के, नए चीफ कितने दिन। मुझे लगता है मुझे शायद आपको थोड़ा सा एक करेक्शन करनी चाहिए, आपने कहा एक महीने में, 7 दिन में दो चीफ गए हैं, 7 दिन में बिल्कुल 7 दिन में दो चीफ गए हैं, दूसरा चीफ तो बेचारा शायद कोई मीटिंग प्रिजाइडिंग ओवर करने आया था और वहीं पर उसको मार दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता क्या है, एक दिखाता है इसराइल का रिजॉल्व, दूसरा दिखाता है इसराइल की इंटेलिजेंस, तीसरा दिखाता है कि किस हद तक हिजबुल्ला में मोसाद इन्फिल्ट्रेट कर चुका है कि पिन पॉइंटेडली इंफॉर्मेशन आ पाती है और आप उनको रियल टाइम में स्ट्राइक कर पाते हैं। अब इब्राहिम जो नए चीफ हैं अनाउंसमेंट करने में तो बड़ी तेजी लगाई है, बट अब जहां तक आपने कहा कि देखना है कि वो क्या करते हैं, मैं कहता हूं उन्हें सिर्फ ये देखना है कि कितने दिन वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी जो